हेलो गाइस, ये समर्पण आईएएस लखनऊ का उन छात्रों के लिए एक प्रयास है जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सीएससी की परीक्षा के लिए अब तक प्रयासरत है या पूर्व में अपना अटेम्प्ट कर चुके हैं। किन्हीं कारणों से उनका अटेम्प्ट रुक गया, नहीं हो पाया सिलेक्शन। वो प्री की क्या समस्याएं रही हैं, मुख्य परीक्षा की मेंस की क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, सवालों को लिखने का जो तरीका है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, उसमें कहाँ से कमियां रह पा रही हैं, उसके लिए एक समर्पण लखनऊ ने एक प्रयास किया है आपके लिए, उन सभी छात्रों के लिए जो इस सेकेंड पेपर के में, मुख्य परीक्षा के सेकेंड पेपर में अब तक कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयों से और सवालों की प्रकृतियों और प्रकारों से परेशान होते रहे हैं। मैं डॉक्टर शमशाद अहमद समर्पण आईएएस लखनऊ से हूँ और ये हम सब का एक सामूहिक प्रयास है कि आपकी उन समस्याओं का निराकरण किया जाए, उसको दूर किया जाए, कि आप अपने प्रिलिम्स के चॉइस में, अपने ऑब्जेक्टिव्स के चॉइस में और मुख्य परीक्षा के लेखन शैली में, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में जो कमियां या गलतियां होती रही हैं, उन कमियों या गलतियों को दूर किया जाए। सेकंड पेपर मेंस में संघ लोक सेवा आयोग ने चार सेक्शंस को मर्ज किया है और उन सबको मिलाकर 250 नंबरों का एक सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र पूछता है। इस चार सेक्शन में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका आधार होता है भारत का संविधान, और व्यवहारिक रूप में जो राजनीति व्यवहार में दिखाई पड़ती है और वो कैसे अप्लीकेबल अपने सामाजिक रूप में, क्रियान्वित रूप में कैसे दिखाई पड़ती है, उन दोनों का एक समग्र अध्ययन होना चाहिए। दूसरा इसका सेक्शन संघ लोक सेवा आयोग ने रखा है इंटरनेशनल रिलेशन का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, और वो इसलिए रखा है कि ये देखा जा सके और समझा जा सके कि भारत का बायलेटरल रिलेशन अपने नेबर कंट्री के साथ, एशियाई कंटेक्स्ट में इसके अपने बायलेटरल रिलेशन में यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ क्या है, और ट्रेड के फॉर्म में, डिफेंस के फॉर्म में हम स्ट्रेटेजिक एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं, जिसको बेस करता है ये टॉपिक कि भारत की विदेश नीति, इसकी फॉरेन पॉलिसी कॉन्जिगेटिव किन चरणों से, किन स्टेप्स से निकलकर आज मोदी के युग तक आई है, जो एक एग्रेसिव रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी है। इसका चौथा जो तीसरा सेक्शन है वो इस बात पर बेस्ड है कि भारत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, वो कैसे रेगुलेट होता है, कैसे चलता है। चौथा सेक्शन है इसका सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय व्यवस्था का। इसको समझने के लिए भारतीय सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को, कैसे वो जस्टिस क्रिएट करता है और कैसे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो उसको मेकआउट करे, उसको क्रिएट करे और उसको इस्टाब्लिश करे। इन चार सेक्शनों को मिलाकर एक सेकंड पेपर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अपनी मुख्य परीक्षा में 250 नंबरों के लिए पूछता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि राज्य व्यवस्था और संविधान का अंतर जानना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उसके बिहाफ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्रिएट करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, अधिकरणों को जानना और सामाजिक न्याय व्यवस्था को जानना, तो एक समाज से जुड़ा और राजनीति से जुड़ा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ ये सेक्शन है, जो बहुत कंटेम्प्रेरी है, जो बहुत समसामयिक है और बहुत आज की व्यवस्था से कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज को रिलेट करता है। इस सेक्शन को हम लोग ढंग से या ब्रीफली समझें, हम इस बात को चर्चा करेंगे पहले कि जो संविधान, जो राज्य व्यवस्थाएं हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, अपने बियर एक्ट में,
वो किसके लिए पढ़ते हैं, क्या वो व्यवस्था, वो संविधान का आधार एक राज्य है, एक राष्ट्र है या एक देश है। समानता, हम सब जानते हैं कि हम इस पूरी टेरिटरी को वेरी जनरली, वेरी कॉमनली वी यूज द वर्ड कंट्री या देश के रूप में इसको जानते हैं। लेकिन जो संविधान लिखा गया, क्या वो संविधान देश के लिए लिखा गया है या संविधान की प्रकृति देश की ना होकर राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में दी गई परिभाषाओं के अनुरूप है। तो हम देखें इस बात को, चर्चा करें और समझें कि ये देश, ये संविधान देश का है, राज्य का है या राष्ट्र का है। तो जब हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में प्रवेश करते हैं तो हमको दो शब्द दिखाई पड़ता है, एक राज्य और एक राष्ट्र। सिद्धांतों में देश की या कंट्री की कोई परिभाषित शब्दावली नहीं है। अर्थात अगर हम एक चीज़ को समझे कि अपनी प्रकृति में राज्य या स्टेट क्या है, तो राजनीति विज्ञान कहता है कि इस राज्य के कुछ पिलर्स हैं। उन पिलरों को परिभाषित करते हुए राज्य या स्टेट कहता है कि ऐसा एक स्थल जिसका निश्चित क्षेत्रफल हो, इट मीन्स स्टेट हैव अ डिफाइंड एरिया। तो एक पिलर होगा इसका। जब हम राज्य को पढ़ते हैं तो राज्य की प्रकृति में राजनीति विज्ञान कहता है कि पहला स्तंभ, पहला पिलर राज्य के होने के लिए एक निश्चित क्षेत्रफल हो, और दूसरा कहता है कि इसी राज्य में निश्चित या परिभाषित जनसंख्या हो, इट मीन्स के डिफाइंड पॉपुलेशन हो, दूसरा पिलर है ये। और तीसरा पिलर इसी का कहता है कि एक सरकार या गवर्नमेंट हो, और चौथा स्तंभ कहते हैं कि एक इसकी अपने पास अपनी संप्रभुता, सॉवरनिटी या इसका अपना संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो जब हम भारत को एक राज्य के रूप में परखने की कोशिश करते हैं तो सिद्धांत में दी गई परिभाषाओं के आधार पर ये परखते हैं कि भारत राज्य है या नहीं, तो हम पाते हैं कि भारत अपनी प्रकृति में एक निश्चित क्षेत्रफल रखता है, इसकी अपनी जनसंख्या है, इसका अपना एक सरकार है जो जनता लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्येक 5 वर्ष में चुनती है, और भारत की अपनी एक संप्रभुता है जिसे हमने अपने संविधान द्वारा ट्रांसफर पाया है, हस्तांतरित पाया है, जो ब्रिटिश उपनिवेश से हमको प्राप्त हुई है, और उसका अपना एक लिखित संविधान है जो संविधान निर्मात्री सभा ने निर्मित किया है, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया और प्रथमतः 26 नवंबर 1949 को इसे ग्रहण किया है। तो हम कह सकते हैं कि परिभाषित रूप में या जो प्रकार है, ये जो प्रकृति है संविधान की, भारत की, वह राज्य की है, क्योंकि ये राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में बिल्कुल खरा उतरता है। लेकिन क्या भारत को हम केवल इतना ही माने कि भारत केवल एक राज्य है जो अपनी परिभाषाओं को पूर्ण करता है? जब हम इसके दूसरे सेक्शन को देखते हैं कि क्या भारत राज्य के साथ साथ राष्ट्र भी हो सकता है, तो हम फिर राजनीति विज्ञान के दूसरे चरण में जाने का प्रयास करते हैं और वहाँ से ये ढूंढते हैं कि राष्ट्र या नेशन की डिफिनीशन क्या है। जब हम राजनीति विज्ञान में
राष्ट्र को ढूंढते हैं, नेशन को ढूंढते हैं, तो राष्ट्र की परिभाषा डिफिनेशन ऑफ नेशन कहती है कि ऐसा राज्य दोज स्टेट दे हैव मल्टी कलर्ड पीपल, जिसमें बहुत से रंगों के लोग निवास करते हो। दूसरा परिभाषा कहती है कि दे हैव मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, जिसमें बहुत से धर्मों के लोग निवास करते हो। वो कहती है कि ऑल्सो दे हैव मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी, जिसमें बहुत से भाषाओं के बोलियों के बोलने वाले लोग निवास करते हो। और अपने स्तंभों में चौथी बात राष्ट्र अपने आप में व्याख्यात करता है कि दे हैव मल्टी कास्ट सिस्टम, अपनी राज्य संरचना में बहुत से जातियों का समूह या समुच्चय हो। फिर से एक बार रिवर्स में देखिए इसको कि ऐसा राज्य जिसमें मल्टी कलर्ड पीपल हो, ऐसा राज्य जिसमें मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हो, ऐसा राज्य जिसमें मल्टी लिंग्विस्टिक लोग हो, ऐसा राज्य जिसमें मल्टी कास्ट सिस्टम हो। इस एक डिफिनेशन को जब कंबाइंड रूप में देखते हैं तो कहता है कि ऐसा राज्य राष्ट्र होगा। अब समझने के लिए समझिए कि क्या ये राज्य भारत राज्य के रूप में जो अभी पहले बताई गई उसके भी यहाँ पर भारत राष्ट्र हो सकता है या नहीं। जब एक राज्य के रूप में हम इसको परिभाषित करने का कोशिश करते हैं इसकी परिभाषाओं में, तो मिलता है कि ये एक बहुरंगीय लोगों का समाज है, जिसमें बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सी भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें बहुत से जातियाँ का समुच या संग्रह निवास करता है। तो हम बहुत आसानी से ईजिली कह सकते हैं कि भारत एक राज्य के साथ साथ भारत एक राष्ट्र भी है। इट मीन्स जो संविधान हम पढ़ते हैं, जो राज्य व्यवस्था हम पढ़ते हैं, वो राज्य व्यवस्था वो संविधान राज्य का नहीं बल्कि राज्य और राष्ट्र का है। वो कॉन्स्टिट्यूशन केवल स्टेट का नहीं है, जो लिखा गया है वो केवल एक कम्युनिटी के लिए, एक नेचर ऑफ स्टेट के लिए, एक यूनिटरी स्टेट ऑफ नेचर के लिए नहीं बल्कि एक नेशन के लिए लिखा गया है, जिसमें सारी विशेषताएं पाई जाती हों। इट मीन्स कि इन सभी लोगों के अधिकार रिजर्व्ड हो, उसकी व्याख्या हो, उन सब लोगों को प्राप्त हो। इसलिए इस संविधान का आगमन राज्य और राष्ट्र के रूप में दिखाई पड़ता है। अब तीसरा जो इसका सेक्शन है कि क्या भारत को राज्य और राष्ट्र के रूप में तो संविधान ने स्वीकार किया है और राजनीति विज्ञान ने अपनी परिभाषा में भी ये स्वीकार किया है कि ये एक राज्य है और राष्ट्र है, पर बहुचर्चित बहुत बार बोले जाने वाली भाषाओं में जो इसका तीसरा वर्ड है, इसका जो तीसरा शब्द है देश या कंट्री, क्या राज्य और राष्ट्र होने के साथ साथ इसको देश कहा जाए या ना कहा जाए। तो एक बार पुनः हम लोग राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में चलते हैं और ढूंढते हैं कि देश या कंट्री भारत हो सकता है या है या नहीं। तो राजनीति विज्ञान कहती है देश के लिए कि कंट्री इज अ सीडो कॉन्सेप्ट, देश एक गलत
अवधारणा है, इट्स जनरली यूज फॉर देयर निक नेम या केवल अपने संबोधन के नामों से जानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान हम पढ़ने जा रहे हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है और भारत सरकार ने जो हमारे सामने संविधान प्रस्तुत किया है, जिसका आगमन संविधान निर्माती सभा के द्वारा हुआ, जो हमारे देश को चलाने का एक बहुमूल्य आयाम है, वह असल में राज और राष्ट्र के लिए लिखा गया है, वह देश के लिए नहीं लिखा गया है। उसमें राज की कल्पना की गई है, लेकिन संविधान की प्रकृति एक राष्ट्र के रूप में है, जो राजनीति विज्ञान के परिभाषाओं के अंदर है। इस सेक्शन में इतना ही। अगले हम चर्चा करेंगे कि संविधान की प्रकृति किस रूप में है। थैंक यू।